पिछले दिनों खाद्य तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद से लोगों की जेब पर बोझ काफी बढ़ गया था। गरीब लोगों के घरों में बनने वाली सब्जी में तेल पड़ना कम हो गया था। वहीं कंपनी ने खाद्य तेल की कीमतों में कटौती की है। वहीं बता दें कि मदर डेयरी ने खाद्य डेयरी की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। बता दें कि कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि मदर डेयरी ने खाद्य तेल की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने का फैसला किया है। वहीं मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि धारा खाद्य तेलों की अधिकतम खुदरा कीमतों में यानी MRP में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की जा रही है। ये कमी बड़े पैमाने पर सरसों के तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल जैसे प्रमुख उत्पादों में की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारे देशों में प्रमुख रूप से खपत किए जाने वाले तेलों के लिए ये कटौती की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में सरकार की पहल में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कम प्रभाव और बेहतर घरेलू सूरजमुखी उत्पादन व तेल की आसमान उपलब्धता के कारण ये संभव हो सका है। वहीं कंपनी ने कहा है कि नए MRP के साथ धारा खाद्य तेल संस्करण अगले सप्ताह तक बाजार में पहुंच जाएगा। धारा सरसों के तेल का 1 लीटर पॉलीपैक जिसकी कीमत वर्तमान में 2008 रुपये है, उसकी कीमत घटाकर 193 रुपये कम की जाएगी। वहीं धारा रिफाइंड सूरजमुखी की तेल की बात करें तो धारा रिफाइंड जिसका 1 लीटर पॉलीपैक की कीमत इस समय 235 रुपये है, उसके मौजूदा MRP में कटौती कर इसे 220 रुपये कर दिए जाएगी। इसके अलावा धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल की 1 लीटर पॉली पैक की कीमत में कटौती कर इसे 209 रुपये से 194 रुपये कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।